मेरे विचार से नीतीश कुमार को बहुत। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार इसलिए है कि उनकी पॉपुलरिटी है, कार्य करने की क्षमता है। तेजस्वी यादव चपरासी लायक नहीं है जी, 8वां पास है, चपरासी के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए। तेजस्वी यादव तो कोई लायक ही नहीं है, माने है न उसका एजुकेशन है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, केवल अपनी बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते, चिल्लाने से कहीं कुछ होता है। तेजस्वी यादव तो भाई है, तेजस्वी यादव तो अभी नए नए ही हैं, उनको तो अभी सीखना है बहुत। नवम पास है अभी, पास तो मतलब छोड़िए, पहले कुछ वर्ल्ड कप सीखना है, अभी अभी वर्ल्ड कप देखने लायक लड़का है, उनको अभी अब दे दीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी समूचे स्टेटे का चलाने का, तो नहीं चल पाएगा। अभी अभी वो बच्चे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मौका मिला तभी तो, मौका उनको तनकंपा मिला है ना, उनका अपना कोई राजनीतिक नहीं है, उनको पिताजी का लाभ मिला है, तो अभी सीखना पड़ेगा उन्हें। तक तो फिलहाल मौका एक बार होनी चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए, युवा चेहरा है, मौका तो मिलना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार बेशक बहुत बढ़िया आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। मैं रामजी, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं यहीं से शपथ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मैं निकला हूँ पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए। जैसे इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के मौजूद हैं, उनसे हम यह जानना चाहें कि बिहार का अगला बेहतर मुख्यमंत्री कौन साबित हुआ, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। आइए, कुछ लोग मौजूद आइए, उनसे बात करते हैं। मेरा तो मानना है कि अभी तो नीतीश कुमार बहुत काम कर रहे हैं, तो जो अभी तो यहाँ का जनता लोग भी बहुत शिक्षित हैं, तो मेरे ख्याल से तो नीतीश कुमार की। ये तेजस्वी यादव एक यंग लीडर माने जाते हैं, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि कुछ दिन पहले वो मतलब कुछ उनके बारे में खबर निकली थी। क्या खबर निकली थी? और ये जो अपने बंगलों को एयर कंडीशनर वाला जो बताए हैं वो सब, तो मेरे ख्याल से तो नीतीश कुमार को आना चाहिए। फिलहाल तो नीतीश कुमार ही बेहतर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और गांव-वांव में बिजली उजली बहुत ही मतलब की किए हैं, तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार ही ठीक है अभी। तो युवाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव काफ़ी युवा चेहरा है, युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। काफ़ी जोश तो देखा जाता है, लेकिन कुछ उनकी हरकतों की वजह से जनता लोग थोड़ा नाराज है। और क्या हरकत, किस तरह की हरकत? बस यही जो चारा घोटाला जो उनके पिताश्री पे जो लगे हुए हैं वही आरोप के चलते है। तो आरोप तो उनके पिताजी के ऊपर है ना, तेजस्वी यादव साफ छवि के हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन कुछ कारण के बने वो तो फिर उसके बाद इस्तीफा भी दिए। कुछ कारण होगा, कुछ मतभेद होगा, नहीं तो पहले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही साथ थे। नीतीश कुमार क्यों? इससे पहले ही बहुत अच्छा काम किया वो, और अभी भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है उनका, और आगे भी शायद वही होंगे। तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, एक युवा युवा में काफ़ी जोश देखा जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो न्यू है, अभी उनको क्या पता क्या है नहीं है, जो पहले से रह चुके हैं उसमें तो यंग लोग तो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको ना मुख्यमंत्री के रूप में। हाँ ये भी बात है, बट नीतीश कुमार बेटर बनना मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार क्यों? अच्छा अच्छा काम किए हैं, यही तो। आप यंग हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव को कुछ पता तो नहीं है फिलहाल अभी तो, मगर नहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। अभी तक तो फिलहाल मौका एक बार होनी चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए। हाँ, युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, मौका तो मिलना चाहिए। 2020 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत पहले से भी हैं। तो तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, युवाओं को एक मौका देना चाहिए, क्या नहीं लगता आपको? देना चाहिए, लेकिन उतना देखना पड़ेगा ठीक हो पाता है कि नहीं। नहीं तो मौका मिले तभी तो, हाँ तो मिलना चाहिए मौका, मौका मिलना चाहिए ना। हाँ नीतीश कुमार ही ठीक है। नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि मैं बेगूसराय से हूँ, तो जब लालू वहाँ का था बिहार का जब मुख्यमंत्री था, तो हमारे गाँव में कच्चा सड़क था, और हम यहाँ रहते नहीं है बिहार में, हम रहते हैं अरुणाचल में। यहाँ जब से नीतीश सरकार है तब से बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ हुआ है, बिजली का शासन भी बहुत ख़त्म था, जब से नीतीश सरकार आया है तभी से बहुत मतलब देखा गया है कि ठीक ठाक में चल रहा है।
तेजस्वी यादव भी एक युवा चेहरा, क्या उन्हें एक युवा चेहरा का मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए, युवा चेहरा है तो मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमको पता है नीतीश कुमार ने हमारे गांव में बहुत कुछ किया है, तो वही हो तो ठीक हो, अगर ये हो तो ये अच्छा करे तो ये भी ठीक है। उतना तो हमको जानकारी नहीं है क्योंकि हम यहाँ बिहार में रहते नहीं है, ये बात है। बीच में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार क्यों? तेजस्वी यादव युवा चेहरा, उनको क्या नहीं लगता आपको उनको एक बार मौका मिलना चाहिए? जी हाँ, मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम किए हैं, विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं। जी वही, इसीलिए तो जाने जाते हैं कि विकास के नाम पर जी ज़्यादा चल पहल में है ना, और थोड़े है कि हम अपने पर थोड़े करें, वो आम जनता को देखते हैं और उनको अच्छा नाम चल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। अंकल जी, 2020 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ। बेहतर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? नहीं, नीतीश कुमार बेशक बहुत बढ़िया आदमी है। तो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव क्यों नहीं है? नीतीश कुमार क्यों, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो भाई है, तेजस्वी यादव तो अभी नए नए ही हैं, उनको तो अभी सीखना है बहुत। नवाम पास है, अभी पास तो मतलब छोड़िए, पहले कुछ वर्ल्ड कप सीखना है, अभी वर्ल्ड कप देखने लायक लड़का है, उनको अभी अब दे दीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी समूचे स्टेट का चलाने का, तो नहीं चल पाएगा। तो युवा चेहरा क्या नहीं लगता आपको? युवा चेहरा का मतलब ट्रेन न होना चाहिए, युवा चेहरा भी ट्रेन न होना, देखी बात थोड़ी, मौका मिलता तब एक है चीफ है मिनिस्टर का। अरे भाई मौका मिलता, हाँ तो मौका दीजिए, मिनिस्टर मिनिस्टर बनिए, सीखिए 10 वर्ष सीखिए तब चीफ मिनिस्टर बनिए। तेजस्वी यादव चपरासी लाइक नहीं है जी, 8वां पास है, चपरासी के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए, हाँ बस इससे ज़्यादा मत बोलो भाई। नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते द्वारा हैं? नीतीश कुमार क्यों, दूसरा कोई आएगा नीतीश कुमार ना बनेंगे तो, जिसको मेजोरिटी आएगा वो बनेंगे। मेरे विचार से नीतीश कुमार बहुत, नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार इसलिए है कि उनकी पॉपुलरिटी है, कार्य करने की क्षमता है। तेजस्वी यादव चपरासी लाइक नहीं है जी, 8वां पास है, चपरासी के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए। तेजस्वी यादव तो कोई लाइक ही नहीं है, माने है ना उसका एजुकेशन है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, केवल अपनी बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते, चिल्लाने से कहीं कुछ होता है? तेजस्वी यादव तो भाई है, तेजस्वी यादव तो अभी नए नए ही हैं, उनको तो अभी सीखना है बहुत। नवाम पास है, अभी पास तो मतलब छोड़िए, पहले कुछ वर्ल्ड कप सीखना है, अभी वर्ल्ड कप देखने लायक लड़का है, उनको अभी अब दे दीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी समूचे स्टेट का चलाने का, तो नहीं चल पाएगा। अभी अभी वो बच्चे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मौका मिला तभी तो, मौका उनको तनकंपा मिला है ना, उनका अपना कोई राजनीतिक नहीं है, उनको पिताजी का लाभ मिला है, तो अभी सीखना पड़ेगा उन्हें। तक तो फिलहाल मौका एक बार होनी चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए, युवा चेहरा है, मौका तो मिलना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार बेशक बहुत बढ़िया आदमी है। अंकल जी, 2020 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, आपके नज़र बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो चाहिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? नीतीश बाबू के अतिरिक्त और कोई दूसरा मुख्यमंत्री के लायक ही? क्यों? तेजस्वी यादव तो कोई लायक ही नहीं है, माने है ना उसका एजुकेशन है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, केवल अपनी बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते, चिल्लाने से कहीं कुछ होता है? ज्ञान और बुद्धि, कुछ विवेक सीखना चाहिए। पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है कि आज पैदा हुआ और तुरंत पॉलिटिक्स सीख गया, है ना, इसलिए है मेरे विचार से नीतीश बाबू बहुत। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार इसलिए है कि उनकी पॉपुलरिटी है, कार्य करने की क्षमता है, मिला कर के चलने की शक्ति है, इस वजह से। और क्या क्या चेंजिंग देख रहे हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में? हाँ, बहुत चेंज हुआ पूरा एकदम, माना देखिए बिहार का विकास ही हो रहा है, यहाँ ही जो आपका इतना जो बढ़िया भवन बना, कभी कल्पना भी कर सकते थे? ये सब है डाइसिंग आदमी को काम करने का। इलेक्शन होने वाले हैं तो आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे बनना देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? नहीं, बेहतर तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वही रहेंगे। गर्भ इसमें नीतीश कुमार चाहते हैं, वो थोड़ा उनका और अनुभव है, और इंजीनियर साहब भी रहे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव युवा चेहरा क्या, नहीं आपको नहीं लगता कि वो? नहीं नहीं, अभी अभी वो बच्चे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मौका मिला तभी तो, मौका उनको तनकंपा मिला है ना, उनका अपना कोई राजनीतिक नहीं है, उनको पिताजी का लाभ मिला है,
तो अभी सीखना पड़ेगा उनको। तो क्या चेंजिंग देख रहे हैं नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या चेंजिंग देख रहे हैं आप? चेंजिंग बहुत ही चेंजिंग, क्या विकास हुआ? देखिए विकास, जहाँ तक विकास की बात है, कितना विकास कर देंगे विकास कम ही पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है क्या, विकास तो हो ही रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। सबसे पहली बात है कि शांति का माहौल है, वो नहीं है कि जहाँ तक दारू बंद हुआ ना रोड पे, तो मिल रहा है ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैकमेल रोड पे कुत्ती घूम रहा है, रोड पे नहीं घूम रहा है, हंगामा शांति है, शादी भी अच्छा हो जाता है, दरवाजा लग जाता है, मिल रहा ठीक है, अपने घर में सीमित है, रोड पे कोई हल्ला नहीं कर रहा है। रेप और हत्या की तो वारदात हो ही रही, कम उसमें कमी नहीं होगा तो होते रहेगा वो, समझे, वो संभालना मुश्किल था। जब तक हम लोग नहीं अपने सुधार लाएंगे, सरकार क्या करेगी? सुधार लाना है हम लोगों को अपने आप में, ताकि सरकार तो मोदी अपना सब नियम कौन लगा देते हैं, हम लोग सुधार अपने आप में लाना है कि रेप नहीं हो, हत्या नहीं हो, लूट नहीं हो, सुधरेंगे हम लोग तब ना। कानून व्यवस्था तो टाइट होनी चाहिए ना, टाइट है ही। आप ये बताइए, लोगों में कानून का डर तो होना चाहिए, वो तो डर खत्म हो गया लोगों में? नहीं नहीं, वो डर है ही, कानून में कैसे डर नहीं, आपको डर नहीं है कानून का? हमको डर नहीं, सबको डर है कानून का डर। कुछ लोग हैं जिनका आदत है कि जाना और आना, जाते हैं और आते हैं, 100 में 5 आदमी जाते हैं जेल से, 95 जेल नहीं जाते हैं, जो जाते हैं उनको आदत बना हुआ जाने आने का, और जो कभी नहीं गया उनके ऊपर होता है केस, तो डर डर भय उनके अंदर घुस जाता है। तो आपने सुना जनता की राय, बहुत लोग नीतीश कुमार को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव को भी पसंद करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद।